हेलो फ्रेंड्स, द स्वादिष्ट किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फिश करी। तो जानिए फ्रेंड की बिहारी स्टाइल में हम फिश करी कैसे बनाते हैं। एक बिहारी से जानिए बिहारी स्टाइल में फिश करी बनाने का विधि। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ। फिश करी बनाने के लिए मैंने 1 kg फ्रेश फिश ले लिया है। मैं इसे अच्छे से धो ली हूँ, मैंने साफ कर लिया है 3 से 4 पानी में। उसके बाद अब मैं इसमें 1 चम्मच, इसको फ्राई करने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड करूँगी इसके ऊपर से। हल्दी डाल के मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हल्दी डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच राइस फ्लोर या कॉर्न फ्लोर जो आपके पास हो, मैं चावल का आटा यूज कर रही हूँ। चावल के आटे को थोड़ा सा 1 चम्मच चारों तरफ रख के इसे मिक्स कर लेना है। ये डालने से ऐसा होता है कि हमारी फिश बहुत अच्छी फ्राई होती है, एकदम क्रिस्पी होता है फ्राई। मैंने चावल के आटे और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं गैस पे कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दी हूँ। आप फिश को बनाने के लिए सरसों तेल का ही यूज करें, सरसों तेल में बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सरसों तेल में, इसलिए सरसों तेल का ही यूज करें। मेरे तेल गर्म हो चुके हैं, अब मैं इसमें मछली तलना स्टार्ट करूंगी। मछली को तलने के लिए सबसे पहले आप मछली का जो सर होता है उसको रख देंगी तो ये ज्यादा चिपकता नहीं है और इससे तेल भी साफ हो जाता है मेरा। तो मैं सबसे पहले इसका मछली का सर ही फ्राई करूंगी। फ्राई हल्दी डालने से ये होता है कि मछली जो उड़ती नहीं है। देखिए मैं सर पर रखी हूँ, सर बिल्कुल कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है और तेल मेरे भी अच्छे से गर्म थे। तेल को भी एक चीज़ का ध्यान रखें, तेल को अच्छे से गर्म होने दें, नहीं तो मछली फ्राई करने में टूट सकती है, इसलिए तेल को अच्छे से गर्म होने दें। उधर मेरी मछली फ्राई हो रही है तब तक मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। मसाले के लिए मैं 2 टीस्पून के बराबर सरसों लिया है, 3 लहसुन और 1 प्याज। इन सबको मैं मिक्सी ग्राइंडर में पीस लूँगी। देखिए मेरे मसाले पीस चुके हैं, मैंने मसाले पीस लिए हैं सरसों लहसुन और प्याज। अब मैं मछली को भी देख लेती हूँ, इसे पलट दूंगी। मसालों में मैं और कुछ ऐड करूंगी, उसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच हल्दी, 3 खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा ज्यादा मिर्ची रखें, मैं 3 चम्मच रखूंगी मिर्ची, छोटा वाला चम्मच है मेरा, और नमक। हल्दी मिर्ची और नमक, बस इतना ही चीज हमें ऐड करना है एक्स्ट्रा में। नमक टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं अपने। देखिए मछली फ्राई हो चुकी है, मैं इसे बाहर निकाल लूंगी। अब मैं एक एक करके मछली डालूंगी। बस इतने ही डाल के फ्राई करूंगी। मेरे मछली एक साइड से फ्राई हो चुके थे, देखिए बस जब तक मछली नीचे से छूटे नहीं, अब जब तक मैं पकड़े रहे तब तक उसे पलटना नहीं तो मछली सारी टूट जाती है। और मछली को जितना डीप फ्राई कीजिएगा उतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। देखिए फ्रेंड्स मेरी मछली फ्राई हो चुकी है, मैंने इसे पलट पलट के फ्राई कर लिया है। इसे फ्राई करने में मुझे 5 मिनट लगे हैं। इसी तरह करके मैं सारे मछली को फ्राई कर लूंगी। तो फ्रेंड्स अब मेरी मछली फ्राई हो चुकी है, अब जो इसमें तेल बचा है मैं इसी में मसाले फ्राई करूंगी। मसाले फ्राई करने के लिए मैं इसमें एक हरी मिर्च तोड़ के डाल रही हूँ।
और एक चम्मच साबुत सरसों डालूंगी। सरसों चटकने के बाद मैं मसाले डाल दूंगी। देखिए सरसों चटक गए हैं, अब मैं इसमें जो मसाले तैयार की थी वो डाल दूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके फ्राई करूंगी। देखिए मछली दो ही चीज पे डिपेंड करती है, मसाला और मछली अपने फ्राई ऊपर, फ्राई होने के ऊपर। मछली को एकदम से डीप फ्राई ऐसे फ्राई करना है रेड होने तक। देखिए क्रिस्पी भी है, देखिए। और अगर मछली का मसाला अच्छे से फ्राई हो गया हो तो वाह क्या टेस्टी मछली बनता है। ऐसी मछली जैसे कि कभी आपने ऐसी मछली खाई ही ना हो। मैं इसे चलाते चलाते फ्राई करूंगी ताकि ये नीचे से पकड़े नहीं मसाला। अब मैं इसमें दो टमाटर को काट के रख दूंगी, मसाले के साथ ही इसे भी टमाटर को भी फ्राई कर लूंगी। देखिए मछली के मसाले ऐसे हो गए हैं। इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक इनके साइड साइड से तेल ना आ जाए और इनमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, तब तक इन्हें फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स मेरे मसाले फ्राई हो चुके हैं, देखिए साइड साइड से इनमें तेल आ चुका है और इसमें से एक अच्छी खुशबू आ रही है, एक सौंधी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैं मसाले वाला पानी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जितना आप ग्रेवी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन जितना खाना पसंद करते हैं उससे 100 मिलीलीटर पानी एक्स्ट्रा ही रखें, क्योंकि मछली जो है पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब करता है। मैं अब मसाले में पानी डाल दी हूँ, अब मैं इसे इसमें उबाल आने तक वेट करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें एक एक करके सारी मछली डाल दूंगी। मछली डाल के मैं इसे 5 मिनट तक उबलने दूंगी। उबालते समय एक चीज का ध्यान रखना है, मछली को हमें ढकना नहीं है, मछली को खुले ही ऐसे खुले में इसे 5 मिनट तक उबालना है बस, क्योंकि मछली ऑलरेडी पक चुका है, बस ग्रेवी को थोड़ा सा पकाना है, इसलिए मैं 5 मिनट तक उबलने दे रही हूँ। तो फ्रेंड अब मेरी मछली बनके पूरी रेडी हो गई है, ये सर्व करने लायक हो गई है, अब इसे खा सकते हैं आप। और अगर आपको कोई जल्दी ना हो तो इसे 10 मिनट के लिए सेट होने दें, तो इसमें मछली के अंदर तक ग्रेवी जाती है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको जल्दी है तो खा भी सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है बट वो और भी टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, बिहारी स्टाइल में मैं फिश करी बनाना आपको बताई हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।